तो प्यारे दोस्तों, आप डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ और रिलेशन के थर्ड पार्ट में, रिलेशन के थर्ड पार्ट में और रिलेशन के थर्ड पार्ट में आप हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ स्पेसिफिक थ्योरम्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि प्रूव दैट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर या डिविजिबल बाय फोर भी आ सकता है ऑन अ सेट, जिस सेट में कहां से कहां तक वैल्यू लेना है, ऑन कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू 12, ये सेट है और इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर फाइंड, फर्दर फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, ये एक नई चीज है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर, फोर की इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। और कभी कभी इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं और फाइंड, ये बॉक्स के अंदर लिख दिया फोर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल नहीं है, इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर। तो फिर सच चालू करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ या इसका सॉल्यूशन बताने के लिए बताएंगे कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल, ए अगर इसके अंदर है 0 से लेकर 12 तक, तो सभी के लिए ए माइनस ए, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 0, ये मल्टीपल होगा 4 का। विच इम्प्लाइज ए गोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा रिलेशन, दूसरी बात प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्री प्रूव करने के लिए हम चालू करेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 4 इम्प्लाइज, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस ए, और वो हो जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 4, विच इम्प्लाइज क्या बताता है ये कि बी कॉमा ए इज अ मेंबर ऑफ आर। तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका ये मतलब हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी
इज इक्वल टू 4 लैम्डा हो गया, और मॉड ऑफ बी माइनस सी 4 म्यू हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि मॉड ऑफ ए माइनस सी भी 4 से 4 का मल्टीपल है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसे मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा। 4 और लैम्डा म्यू क्या चीज है, लैम्डा एंड म्यू आर इंटीजर्स, लैम्डा म्यू आर इंटीजर्स बिलोंग टू जेड, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको लिख सकेंगे आप मॉड ऑफ, इसमें से मॉड अगर आप हटा दें तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा, बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू, 4 म्यू, और दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो देखिए आप क्या बन जाएगा, आपके पास ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये बी बी कैंसिल, 4 कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस म्यू। इससे ये पता चला कि ए माइनस सी भी किससे, किसका मल्टीपल है, 4 का, तो इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है, r है। अगर ये प्रूव हो गया है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो इस तरीके से ये रिलेशन, ये प्रूव हो गया कि इट इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें क्या करना है, उसके आगे हमें पता लगाना है, फाइंड फॉर द फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, मतलब 4 को कौन, 4 के साथ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 4 के साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं, तो ये 4 की इक्विवेलेंस क्लास है, तो आप यहाँ से चालू करो, 4 माइनस 0, 4 का मल्टीपल है क्या, हाँ है, तो ये एक जीरो एलिमेंट आ जाएगा। फिर कौन होगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, वो 4 का मल्टीपल है, नहीं, तो 4 कॉमा 4 आ सकता है, क्योंकि 4 माइनस 4 0, वो 4 का मल्टीपल है। फिर इसी तरीके से कौन आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, क्यों, 4 माइनस 5 क्या होगा, 1, 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि उसको क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो ये आएगा 8, फिर आएगा आपका 12, तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है, कौन सा सेट है, वो सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो इसके साथ उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये सारे केस एलिमेंट्स इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई, इक्विवेलेंस क्लास का सेट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप करिएगा, कि प्रूव दैट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, एन इवन नंबर ऑन जेड, इवन नंबर ऑन जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और कोई इसमें आपको इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकालनी। तो इस तरीके से आप, इसमें इवन नंबर है तो उसमें वो 4 का मल्टीपल है, तो ये किसका मल्टीपल होगा, 2 का, तो बिल्कुल वही की वही केस होगा, लगभग लगभग, केवल जहाँ पे हमने 4 लैम्डा और 4 म्यू लिया था वहाँ आपको 2 लैम्डा और 2 म्यू लेना पड़ेगा। अब इसी का जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज एन इवन नंबर ऑन जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये थोड़ा सा बेहतर है उससे। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट ए प्लस ए इज इक्वल टू
2a is an even number for all a belongs to z. अगर a एक इंटीजर है तो 2 इंटू a इवन नंबर होगा, हमेशा नहीं होगा। अगर आपका ये a 1/3 होता तो 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाता, 2/3 हो जाता। 2/3 थोड़ी इवन नंबर है ना। तो ये a बिलोंग्स टू z है, इसीलिए ये इवन नंबर है। अब दूसरी बात है कि सिमेट्री देखिए, तो सिमेट्री भी इसकी इजी है। आप ले ले a कॉमा b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज a प्लस b इज एन इवन नंबर। तो a प्लस b अगर इवन है तो नेचुरली b प्लस a भी इवन होगा। b प्लस a इज एन इवन नंबर, therefore this implies कि b कॉमा a भी किसका मेंबर है, r का मेंबर है। तो ये r सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए तीन लेने हैं। a कॉमा b किसका मेंबर है, r का मेंबर है, एंड b कॉमा c किसका मेंबर है, r का मेंबर है। तो ये इससे पता चलेगा कि a प्लस b क्या है, इवन है। b प्लस सी भी क्या है, इवन है। तो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी होगा 2 लैम्डा, b प्लस सी क्या होगा 2 म्यू। लैम्डा और म्यू क्या होंगे, लैम्डा और म्यू होंगे इंटीजर, लैम्डा एंड म्यू आर इंटीजर। इनको भी z लिख सकते हैं क्योंकि z सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो लैम्डा एंड म्यू आर इंटीजर्स। तो ये क्या हो गया आपके पास, इनको ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और इसमें से 2 कॉमन आ गया लैम्डा प्लस म्यू। इधर इसको लिखिए a प्लस सी, बी प्लस बी क्या होगा 2b, उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2b, और फिर 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा लैम्डा प्लस म्यू माइनस बी। तो ये भी क्या है, ये भी 2 इंटू इंटीजर है। तो इसका मतलब है a प्लस सी, a प्लस सी भी इवन है, a प्लस सी इज एन इवन नंबर, a प्लस सी इज इवन। अगर a प्लस सी इवन है तो नेचुरली a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, r। और ऐसा होने से ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये थोड़ा सा इसका अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, वो थोड़ा इससे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 4, R इज इक्वल, R इस तरह से इस बार R को ऐसे डिफाइन करते हैं, प्रूव दैट अ रिलेशन R डिफाइंड ऑन कैपिटल A, और कैपिटल A कैसे बनेगा n क्रॉस n से, ये क्वेश्चन में दिया है, सच दैट a कॉमा बी रिलेट्स टू c कॉमा डी। जो मैंने आपको शुरू में बताया था नोटेशन, कि इस तरह का नोटेशन भी हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे हम, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन इस तरह से गिवन है, आपको पहले प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव।
तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना है कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है, ए बी रिलेट्स टू ए बी। तो आप ध्यान से देखो, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको रिफ्लेक्सिव बताना है, मतलब आपको बताना है ए बी का रिलेशन किससे है, ए बी से। अगर आपको ये बताना है तो इसका मतलब ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा। तो आप कैसा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वी नो दैट। क्या जानते हो आप, वी नो दैट ये जानते हो आप कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए। तो इसको आप लिख सकोगे ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, जैसे आपके पास ये लिखा है इसमें नंबरिंग भी कर लो आप, ये नंबर कौन सा है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। आपके पास कौन आ रहा है, वन और फोर्थ पोजीशन जुड़ रही है, और यहाँ पे कौन सी जुड़ रही है, सेकंड और थर्ड। इसको माना वन मान लिया, इसको फोर्थ मानेंगे इसके हिसाब से, वन प्लस फोर और टू प्लस थ्री, तो ये टू और थ्री, तो ये वन यानी यहाँ आएगा, टू वाली चीज यहाँ आएगी, थ्री वाली चीज यहाँ आएगी और फोर्थ वाली चीज वहां जाएगी। ये हो गया। तो इससे क्या मतलब हुआ, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। तो ये आर कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री के लिए हम चालू करते हैं। सिमेट्री के लिए आप ए कॉमा बी किसका मेंबर ले लें, ए का ले लें, और सॉरी ए कॉमा बी ए का मेंबर ऑफ कोर्स, सी कॉमा डी भी है, और ए कॉमा बी का रिलेशन किससे ले लें आप, सी कॉमा डी से ले लें। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी से। तो वही आएगा, वन प्लस फोर इज इक्वल टू टू प्लस थ्री, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। लाना क्या है, लाना है आपको, लाना है आपको सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी से है। मतलब आपको लाना है वन प्लस फोर, वन प्लस फोर मतलब आपको लाना है सी प्लस बी, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ये लेके आना है। तो देखते हैं ये आ सकता है क्या इससे, तो देखिए आप आ सकता है इससे, कैसे आ सकता है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी को आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसको आप लिख सकते हो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, विच इम्प्लाइज, यहां पे आ जाएगा विच इम्प्लाइज, क्या बताता है ये बताता है कि सी प्लस बी, बी प्लस सी को आपने क्या लिख दिया, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, और ये लिखा तो उससे ही आ गया। तो इस तरीके से सिमेट्रिक हो गया। अब इसका ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख भेजिएगा, आपकी क्वेरी को दुरुस्त कर देंगे। ए बी का रिलेशन इससे है सी डी से, और सी डी का किससे ले लें, सी डी का रिलेशन ले लीजिए ई एफ से, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से जो होगा वो लिख लेते हैं पहले। इसके हिसाब से होगा वन प्लस फोर टू प्लस थ्री, इधर भी है दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस डी बी प्लस सी, एंड इधर भी ऐसे ही आ जाएगा सी प्लस एफ डी प्लस ई। लाना क्या है अपने को, लाने का भी आप दिमाग में रखिए कि लाना क्या है आपको, लाना है आपको ए बी का रिलेशन ई एफ से। मतलब आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो ये इससे आ सकता है क्या, आ सकता है, ए और एफ एक तरफ हो ना, तो ये वाली साइड इससे जोड़ दो और ये वाली साइड को इससे जोड़ दो, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल कर दो, एक तो डी कैंसिल हो रहा है आपका, डी को कैंसिल कर दिया, सी कैंसिल हो रहा है तो सी कर दिया, आ गया ना आपके पास ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। मतलब यही चीज है, चाहो तो दो बार लिख गई तो एक बार आप काट सकते हो,
इसका मतलब ए बी का रिलेशन किससे हो गया, ई एफ से। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल टू सॉल्व, ये पांचवें नंबर का है। इसमें ए बी का रिलेशन सी डी से है, पर वहां पे ए इंटू डी दिया हुआ है और इज इक्वल टू बी इंटू सी, सब कुछ सेम है, केवल प्लस की जगह क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आप सेल्फ करें और सेल्फ करके देखें, बस जो प्लस था वहां पे मल्टीप्लीकेशन है और इसमें नो चेंज एट ऑल, इसमें कोई चेंज है ही नहीं, कोई चेंज जरा भी नहीं है, इसमें जरा सा भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही करना है। प्लस की जगह अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंटू आ जाएगा और बिल्कुल वैसा कि वैसा है, डिट्टो क्वेश्चन है। तो आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करें और प्रूव करके बताएं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप करेंगे और मुझे लिख भेजेंगे। एक सिक्स क्वेश्चन है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप खुद से करिए और मुझे बताइए। अ रिलेशन, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, आप ट्राई करना मुझे बताना। अ रिलेशन आर ऑन कैपिटल ए एन क्रॉस एन सच दैट ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी से है, इफ एंड ओनली इफ बी सी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी प्लस सी, तो प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने को, आप ये करिए, दिमाग खर्च करिए, नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको भेजूंगा। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी कई क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें आर एक सेट है, आर इज इक्वल टू कैसा सेट है, एल वन कॉमा एल टू सच दैट एल वन इज पैरेलल टू एल टू ओवर अ सेट ऑफ लाइंस कैपिटल एल। और प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन और फर्दर फाइंड एलिमेंट्स रिलेटेड टू वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इससे जो रिलेटेड लाइन्स है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स लाइन्स है, तो इससे जो रिलेटेड लाइंस हैं, तो इससे रिलेटेड वही लाइंस होंगी जो पैरेलल होंगी। तो मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले आप क्या प्रूव करोगे इसमें, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में आप लिखोगे कि वी नो दैट अ लाइन इज पैरेलल टू इट सेल्फ, एक लाइन अगर ये दो कोइंसाइडिंग लाइन है तो इनको भी पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइंस ऐसी होंगी, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच में डिस्टेंस सेम होती है हर पॉइंट पे। तो ये इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितनी है, जीरो है, तो कोइंसाइडिंग लाइंस भी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो एल वन इज पैरेलल टू एल वन, वी नो दैट एल वन इज पैरेलल टू एल वन, तो इसका मतलब है एल वन कॉमा एल वन क्या हो गया, बिलोंग करता है किसके अंदर,
आर में, फॉर ऑल एल वन इन कैपिटल एल, एल वन यानी सेट ऑफ लाइंस का एक एलिमेंट। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। के बाद आप क्या प्रूव करेंगे? सिमेट्री। तो एल वन कॉमा एल टू अगर आपने आर का मेंबर लिया तो ये बताना बहुत आसान है, एल वन इज पैरेलल टू एल टू विच इम्प्लाइज एल टू इज पैरेलल टू एल वन, तो विच इम्प्लाइज एल टू कॉमा एल वन बिलोंग्स टू आर। ये आ गया आपके पास। अब इसका जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो भी इसका बहुत आसान है। ट्रांजिटिव में आप क्या बताएंगे? एल वन कॉमा एल टू किसका मेंबर ले लिया आपने? आर का। एल टू कॉमा एल थ्री किसका मेंबर ले लिया? आर का। तो ये क्या बताता है? इट इम्प्लाइज एल वन इज पैरेलल टू एल टू एंड एल टू इज पैरेलल टू एल थ्री विच इम्प्लाइज एल वन इज पैरेलल टू एल थ्री विच इम्प्लाइज एल वन कॉमा एल थ्री बिलोंग्स टू आर। L1 L2 को पैरेलल है, L2 L3 को, तो नेचुरली L1 L3 को पैरेलल ही होगी, तो L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब हमें ये बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सी लाइन है। तो तुम याद करो, इसमें ये स्लोप है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो स्लोप कौन है इसका? 3। तो वो लाइंस जिनका स्लोप 3 होगा और ये बदलता रहेगा, 4 की जगह 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 विल बी y इज इक्वल टू 3x प्लस कोई कांस्टेंट c, जबकि c क्या चीज है? वेयर c इज अ रियल नंबर, c इज अ रियल नंबर, कोई भी हो सकता है रियल नंबर, रियल नंबर। तो ये हो गया आंसर आपका, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 को वही लाइन रिलेटेड होगी जिसका स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि लाइंस मस्ट बी पैरेलल, तो ये पैरेलल हैं, तो इस तरीके की लाइन को पैरेलल y इक्वल टू 3x प्लस c होगी। c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 0, 4 भी हो सकता है, 4.1 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, तो देयरफॉर c कैन बी व्हाट? c कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये था दोस्तों रिलेशन के पार्ट 3 में जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया है, ये वाला क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन, या ट्राई करना, सॉल्व करना, मुझे बताना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इसमें ढेर फोन आते हैं, ढेर प्रॉब्लम बच्चे बताते हैं, 9685698056 एक ही नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और कुछ नई चीज़ समझना हो तो मुझे बताएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूंगा। अगले वीडियो के इंतज़ार में रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो डिस्कशंस हैं ये अपने दोस्तों के बीच में करते रहें, आगे बढ़ें, मेरी बेस्ट विशेष है। ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।